गुड मॉर्निंग फ्रेंड हेलो आई एम फिपता मिश्रा टूडे आई विल टीच यू केमिस्ट्री आप क्लास इन साइंस सो चैप्टर नंबर फोर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम तो आज का टॉपिक है पैथोल रेज इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं एन इलेक्ट्रॉन इज ए निगेटिवली चार्ज कंपोनेंट ऑफ एन एटम विच इजिस्ट आउटसाइड द न्यूक्लियस किसी एटम का जो इलेक्ट्रॉन है निगेटिवली चार्ज पार्ट होता है वो जो कि न्यूक्लियस के बाहर एक्सट करता है एक बार फिर से सुनते हैं किसी एटम का जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका जो निगेटिवली चार्ज पार्ट होता है अगर हम बोलते हैं निगेटिवली मीन्स निगेटिव चार्ज का जो पार्टिकल है जैसे हम इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अगर हम इलेक्ट्रॉन बोले मीन्स उसके ऊपर निगेटिव चार्ज आया अब वह निगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियस के बाहर एक्जिस्ट करता है अब सेकेंड आता है ईच इलेक्ट्रॉन कैरी वन यूनिट ऑफ निगेटिव चार्ज एंड हैज ए वेरी स्मॉल मास कम्पेयर विथ डेट ऑफ ए न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सुनो हर एक इलेक्ट्रॉन का वन यूनिट निगेटिव चार्ज कैरी करता है और बहुत स्मॉल मास उसका होता है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन का मास बहुत ही छोटा होता है जेजेस थमसम ये जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किए हैं अब हम देखते हैं यूज कैथोल्ड रेज़ ट्यूब टू डेमोन्स्ट्रेटेड डेट द कैथोल्ड रेज रिस्पॉन्ड टू बोथ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैथोल्ड रेज ट्यूब में यूज किया गया है वो यह प्रूफ करता है कि मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पर उत्तर सेम देता है वो सॉरी वो उत्तर दोनों का देता है चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड हो चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो कैथोल्ड रेज में सिंस द रेज वाज अटैच्ड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट प्लेस्ड ओवर द कैथोड रेज ट्यूब ब्रैकेट में बीम डिफ्लेक्टेड टूअर द पॉजिटिव प्लेट ही डिटरमाइंड दैट रेज मस्ट बी कम्पोज ऑफ निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही कार्ड दिज निगेटिव पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स जो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक प्लेट होता है वो कैथोल्ड रेज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है जो बीम ऑफ लाइट है पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्ज जब टकराता है तो वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेता है ये जो टकरान है मीन्स ये ये जब टकराता है तब ये डिफ्लेक्ट हो जाता है और जब ये डिफ्लेक्ट होता है तब ये यह बताता है कि निगेटिव चार्ज से मिलकर बना है अब आता है लिमिटेशन तो ये देखते हैं मॉडल फेल टू एक्सप्लेन हाउ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स वेयर अरेंज इन एटम सो क्लोज टू ईच अदर ये जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने यह नहीं बता पाए कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन अपने ये लोग एक दूसरे से इतने क्लोज कैसे रहते हैं हम इसको कैसे अरेंज करेंगे ये एक दूसरे के पास पास अरेंज कैसे हैं? जबकि इनका चार्ज अपोजिट है अब एक सेकेंड अब एक सेकेंड साइंटिस्ट आते हैं गोल्ड आइस्टीन अब ये क्या बताए गोल्ड आइटीन इज 1886 डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ न्यू रेडिएशन इन ए गैस डिस्चार्ज ट्यूब एंड कार्ड देम कैनाल रेज गोल्ड आइसटीन साइंटिस्ट ने यह बताया अठारह में कि गैस डिस्चार्ज ट्यूब में एक नई प्रकार की रेडिएशन प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं यह कैनाल रेज है इन्होंने एक उसी का एक नाम दे दिया कि ये कैनाल रेज है रेज रेजर पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन विथ यूटीमेटली ऑफ एन अदर सब एटामिक पार्टिकल्स यह रेज पॉजिटिवली चार्ज थी जिसके डिस्कवर होने के बाद एन सब एटॉमिक पार्टिकल्स में इसकी डिस्कवरी हुई सब एटॉमिक पार्टिकल्स मींस इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन यूज ए कैथोड रेस ट्यूब टू स्टडी कैनाल रेज विच हैज इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अपोजिट ऑफ एंड इलेक्ट्रॉन्स टोल्ड रेज़ ट्यूब को कैनाल रेज स्टडी के लिए यूज किया गया जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है जो कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट है अब आता है कैनाल रे इसका हम थोड़ा डिफिनेशन देखते हैं। द पॉजिटिवली द पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन प्रोड्यूस इन द डिस्चार्ज ट्यूब एट लो प्रेशर एंड हाई नोन एज ए कैनल रे सुनो लो प्रेशर में लो प्रेशर एंड हाई पर डिस्चार्ज ट्यूब में पॉजिटिवली चार्ज रेडिएशन प्रोड्यूस होता है मींस निकलता है तो उसे हम बोलते हैं यह कैनाल रे है थैंक यू सो मच और जो क्लास टेंथ हम आपको पढ़ा चुके हैं अगर उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम आई हो केमिस्ट्री में तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डालिए और बताइए क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री हम आपको चैप्टर थ्री पढ़ा चुके हैं उसमें जो आपको प्रॉब्लम आया आया हो वो बताओ और कमेंट बॉक्स में वो कमेंट करो और जो आप को प्रॉब्लम हो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ठीक है